money we don't know. Pockets empty, but hearts are full anyway. Hey. So, भाई लोग अभी आरएस सर्विस होने के लिए आई थी. मोस्ट प्रॉब्ली आप ये व्लॉग पहले देखोगे, ये बाद में देखोगे. हालांकि शूट ये पहले हुआ था, बट आएगा पहले ये, बिकॉज आरएस आज सर्विस हो नहीं पाएगी. बहुत ज़्यादा काम हो रखा है और कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं नितीश भैया रेस जेनविक्स लखनऊ. और क्या होगा सरप्राइज़ वो 24th को पता चलेगा. बताते हैं ये कितनी केपेबल बाइक है. चलो सबसे पहले चलेंगे पेट्रोल पम्प, डलाएंगे पेट्रोल उसमें. हाय हाय कंफर्टेबल. ऑलवेज ओपन द मिरर्स व्हाइल राइडिंग. बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, बढ़िया लग रही चलाने में और हम एकदम आराम से चलाएंगे. बाय द वे बाइक की कंडीशन ब्रांड न्यू है, 2700 किलोमीटर्स चली है. बिलीव कर सकते हो सिर्फ 2700. ब्रांड न्यू बाइक है, 2019 मॉडल है और ये भी सेल पे है. तो मैंने कहा टेस्ट करना तो बनता है यार. मैंने इसका पहले वाला जो वेरियंट था वो चलाया था, मुझे पावर काफ़ी अच्छी लगी उसमें. तो इसको भी एक बार चला के देख लेंगे, देखते हैं क्या कुछ रिफाइनमेंट में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है बाइक में. बट उससे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप. हाँ भैया, बाइक किसी की भी हो, अगर आपके हाथ में है तो उसको अच्छे से रखना, आपकी जिम्मेदारी है. और ये रही नई वाली होंडा सिटी आईवी टेक. एंड मुझे पर्सनली पुरानी वाली ज़्यादा पसंद थी. नई वाली अगर सिविक, जो नई वाली सिविक आई है वो मेरी फेवरेट सेडान है. तो अगर ये डिज़ाइन वैसा ही रखते आगे से अमेज लगने लगी है. आई नो मिक्स रिएक्शन है, किसी को पसंद होगी किसी को नहीं, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ. हम आराम से चलेंगे गोमती नगर तक, टहल के आएंगे, इस बाइक के बारे में आपको बताएंगे. पहले तो यहाँ पे पावर फिगर्स बता देता हूँ. 66 BHP की ये बाइक होती है, 64 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है, जो कि मुझे लगता है टूरिंग के लिए, टूरिंग पर्पज़ के लिए बहुत है, मतलब मोर देन सफिशेंट है. एंड जिस प्राइस पे ये बाइक आती है, ये बाइक बहुत ही अच्छा प्राइज्ड है. मतलब जो निंजा 400 थी वो इसके आगे ओवर प्राइज लगती है. अगर 650 की बात करें, 650 का प्राइस बहुत अच्छा रखा है निंजा ने, और सॉरी कावासाकी ने, निंजा ने रखा है मैं बोल रहा हूँ. तो ये तो पावर फिगर्स हो गए और जो भी चीज़ें स्पेक शीट आपको बता सकती है वो बता दी. अब वो बताता हूँ जो मैं आपको बताऊँगा और जिसके लिए आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है. तो अब चला के बताऊँगा कि बाइक कैसी है चलने में, क्या टॉर्क बैंड है, क्या मज़ा आ रही चलाने में, आवाज़ कैसी है, गियरिंग कैसी है, गियर शिफ्ट कैसे हैं बाइक के, स्पीडोमीटर कैसा है, एक एक चीज़ आपको मिलेगी इस वीडियो में. तो चलते हैं, चलिए. जैसे 650 का लिमिटर आता है 10,000 RPM पे और टूरिंग बाइक है तो सही रखा है उन्होंने लिमिटर, जिससे इंजन को कभी आप इतना ज़्यादा प्रेशर ना दो, इतना ज़्यादा इंजन पे जोर ना दो. और 10,000 RPM स्वीट स्पॉट है इसके लिए. एंड इनफैक्ट 10,000 RPM तक जा रही है, उतने में काफ़ी अच्छी स्पीड भी पकड़ ले रही है बाइक. तो अगर पेस की बात करें तो आप काफ़ी अच्छा पेस मेंटेन करके चल सकते हो अगर आप टूर कर रहे हो कहीं. एंड या बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है यार चलाने में. और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो इसका विंडशील्ड है, बेसिकली जो विंड वाइज़र है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. और मुझे लगता है एडजस्ट, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता एडजस्टेबल है कि नहीं, बट हाँ आफ्टर मार्केट तो आपको बहुत मिल जाएंगे विंड स्क्रीन्स. एंड फिलहाल जो स्टॉक है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है. और जो विंड ब्लास्ट है वो काफ़ी मिनिमल है, जो ऊपर का पोर्शन है हेलमेट का उस पर थोड़ा लग रहा है, बाकी फेस पे काफ़ी कम विंड ब्लास्ट फेस करना पड़ रहा है. जो मुझे बाइक की बेस्ट चीज़ लगी वो इसकी ब्रेक्स लगी यार, बहुत अच्छी ब्रेक्स हैं. बहुत ज़बरदस्त बाइक ऑफर कर रही है, डुअल डिस्क सेटअप मिलता है आपको, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है. और उसके बाद सीटिंग कम्फर्ट बहुत बेहतरीन है बाइक का, मतलब इतना कम्फर्टेबल बैठा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता इसमें आपको एयर सीट लेने की ज़रूरत है या जो जेल वाली सीट आती है वो लगाने की ज़रूरत है. आप इस पर ऐसे ही डायरेक्ट टूरिंग कर सकते हो. तो हम मरीन ड्राइव पे आ गए, अपना ओल्ड चिल आउट एरिया, चिल आउट पॉइंट बेसिकली 11th-12th क्लास का. भगाते हैं थोड़ा सा, आ,
मिरर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बाइक के जो मिरर्स हैं वो काफ़ी अच्छा पीछे का व्यू प्रोवाइड करते हैं आपको। थोड़ा सा वाइब्रेट ज़रूर होते हैं, बट एक बार जब आप गैस पे होगे तब उतना वाइब्रेशंस नहीं दिखेंगे आपको। जब तक बाइक बहुत ही काम नॉर्मल है तब हल्का हल्का वाइब्रेशंस होता है। और गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे दे रखा है। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर मॉडर्न लगता है, नेगेटिव डिस्प्ले है, एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन ऑलवेज जो मुझे मतलब हमेशा से पसंद है, तो स्पीडोमीटर में कोई कंप्लेंट्स नहीं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, क्लॉक, एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड नहीं, आई थिंक एवरेज किलोमीटर्स लिखा है कि कितना माइलेज देगी बाइक। एंड उसके बाद ये हो गई स्पीडोमीटर की बात, सारी लाइट्स मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद इसकी जो हेडलाइट्स की बात करें तो उनका थ्रो काफ़ी अच्छा है मुझे लगता है। ऑल दो अभी टेस्ट नहीं कर सकते, दिन है, डुअल हेडलाइट का सेटअप है तो डेफिनेटली अच्छा होगा यार। और इसीलिए मैंने कहा आज व्लॉग थोड़ा अलग जगह करते हैं, इसीलिए मैं इधर अंबेडकर पार्क साइड गोमती नगर साइड आया हूँ। अब आते हैं जो बाइक का हार्ट है, हमारा इंजन। इंजन कैसा है बाइक का? तो डुअल सिलेंडर इंजन है एंड 66 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पावर फिगर्स के बारे में। तो अगर मैं एक टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इतनी पावर बहुत लग रही है, सफिशिएंट लग रही है टूरिंग के लिए। बिकॉज जितनी पावर ड्यूक 390 एडवेंचर 390 में उतनी काफ़ी लगती है टूरिंग अगर आपको करनी है। बिकॉज टूरिंग पे कभी आपको 200-250 नहीं जाना होता है, टूरिंग में आपको रहना होता है 110-120। और ये बाइक 120-130 पे बहुत ही ईजिली क्रूज कर सकती है, मतलब बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए 130 इनफैक्ट 140 तक क्रूज़ कर सकते हो आप इससे। हालांकि 140 ज़्यादा हो जाएगी बट स्टिल आप कर सकते हो, ये बाइक इतनी केपेबल है। और नो डाउट पहले वाली 650 चलाई थी, वो भी अच्छी लगी थी मुझे। और जब भी मैं कोई टूरर बाइक चलाता हूँ, स्पोर्ट्स टूरर चलाता हूँ, तो उसको कभी स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों का नेचर अलग होता है, इंजन पावर अलग होती है, ट्यूनिंग अलग होती है। तो इसको अगर इसके प्रीवियस वाली जनरेशन से कंपेयर करता हूँ, 650 जो मैंने चलाई थी, तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिफाइंड हो गई है। पावर ऑलमोस्ट सेम लग रही है, रिफाइनमेंट लेवल्स बढ़ गए हैं, हैंडलिंग ब्रेक्स अच्छी लग रही है। तो गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग पे है, टच नहीं करने की ज़रूरत है अगर आपको टूर करना है। एंड खैर आगे वाले आप ट्वीक कर नहीं सकते, पीछे वाले एडजस्टेबल है। एंड अभी चल के बाइक का लुक दिखा देता हूँ आपको, बिकॉज और सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने कवर कर ली। स्विच गेयर्स की क्वालिटी टॉप नॉच है, सामने से बाइक कुछ ऐसी लग रही है और लुक यार काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड बाकी साइड की बात करें तो साइड से भी बाइक काफ़ी ह्यूज लग रही है देखने में और काफ़ी ज़्यादा आई बॉल्स ये ग्रैब करने वाली है रोड पर। बाकी ये ब्लैक वाला कलर बेस्ट लग रहा है, लास्ट टाइम जो पुराना वाला एडिशन चलाया था इसका मैंने, वो ग्रीन थी बट ये ब्लैक है एंड कंप्लीट ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। थोड़े बहुत ग्रीन से टचेस दे रखे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड अगर टायर की बात करें तो 160 पड़ा है इस बाइक में एंड बाइक पे एकदम ही सूट कर रहा है ये टायर, डनलप के टायर्स हैं इसमें और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। पीछे से बाइक के लुक की बात करें तो पीछे से बाइक का लुक भी काफ़ी खूबसूरत है और जैसे जी वाली टेल लाइट हुआ करती थी तो थोड़ी थोड़ी जी जैसी लगती है जब ये टेल लाइट ऑफ होती है। एंड टायर मतलब भर के वाइड लगते हैं इस बाइक पे, ग्रैब रेल्स बहुत अच्छी है, अगर कोई पीछे पिलियन बैठता है तो काफ़ी उसके लिए अच्छा सपोर्ट है। सीट का मुझे नहीं पता, मैं पीछे बैठ के देख तो नहीं पाऊँगा, अकेले आया हूँ, बट ग्रैब रेल्स अच्छी हैं। बाकी आपने लुक्स देख ही लिया तो आगे आपको ये डुअल हेडलाइट्स का सेटअप मिल जाएगा। ऑल दो इसमें बल्ब आते हैं, LEDs नहीं आती बट उनको आप अपग्रेड कर सकते हो बाद में। एंड सस्पेंशन नॉर्मल है, USD नहीं है बट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं डुअल डिस्क के आगे। तो ये हो गई लुक की बात, सनसेट बहुत प्यारा हो रहा है। बाइक के अगर क्लच की बात करें तो क्लच बहुत सॉफ्ट साइड पे है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है हैंडल करने में। बाकी एडजस्टेबल लेवल्स दे रखे हैं राइट एंड लेफ्ट बोथ, क्लच और ब्रेक दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। और ये मैंडेटरी काम, कोई भी टनल हो, कोई भी ऐसी क्रॉसिंग हो, अगर आप देखो तो एक बार रेफ बनता है, जब तक की बात आता लोग, अगर लोग है तो डिस्टर्ब मत करो यार। अच्छा हैंडल हो रही है यार, कॉर्नर पे भी अच्छा हैंडल हो रही है, थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है सस्पेंशन बट ठीक है। आप लगेज के साथ कॉर्नर नहीं करोगे, मैं करता हूँ ड्यूक 390 से बट मोस्टली लोग नहीं करेंगे, वो मैं थोड़ा बहुत मस्ती मजाक में कर लेता हूँ। और घर पे डैडी बोल भी रहते कि तुम ये क्या कर रहे थे इतना लगेज लेके, बट ठीक है भाई को भरोसा है अपने ऊपर तो ठीक है।
आजकल मैं टूरिंग कर भी रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक को टेस्ट करके आज। एंड अगर कोई लखनऊ से इंटरेस्टेड है सो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे एग्जैक्टली अभी प्राइस का आइडिया नहीं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो अपने लिए। एंड मैं एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा यहाँ पे, उसके बाद जाऊँगा। बहुत अच्छी राइड थी, शाम हो गई, एक्चुअली रात हो गई। और इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, आप फॉलो कर सकते हो। बस इस वीडियो को एंड करते हैं, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।